हाय फ्रेंड्स, ये हमारे घर में शादी हुई है भैया की। और शादी करने के बाद ये रस्म होती है, एक तरह का खेल है ये। इसमें दही का पानी लिया है थोड़ा, और इसमें कुमकुम डालकर और अंदर 1 रुपया, और जो इसमें डालकर जो जीतता है उसी का राज चलता है, ऐसे कहावत है दोस्तों। तो आप देख सकते हो इसमें किसकी जीत होती है, ये आप देखो। तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये हमारी रस्म है शादी के बाद, घर आने के बाद ये रस्म की जाती है। अभी ये खेल हमारा चालू हो गया है। पंडित जी डाल रहे हैं पैसे और मिंडोले, और पति पत्नी दोनों पूरे जोश के साथ, जीत किसकी होती है ये देख रहे हैं। देख सकते हो आप, दोनों झगड़ा गए हैं। हो, जीत हो गई बन्ना की, एक बार जीत हो गई बन्ना की। मज़ा आ गया, सब लोग हंसने लग गए। और अब दूसरी बारी आ रही है। बहुत अच्छे बस। ऐसी रस्म आपने देखी होगी नहीं देखी होगी पता नहीं, लेकिन आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। ये आप देख सकते हो, अब की बार भी वीन राजा दूल्हे राजा ही जीतते हैं। देख सकते हो, देखने वालों को कितना मज़ा आ रहा है। कितना मज़ा आ रहा है देख सकते हो आप, ये पंडित जी भी इनको भड़का रहे हैं। ये तीसरी बार भी दूल्हे राजा ही जीते हैं। देख सकते हैं आप, देखने वालों को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। अभी दुल्हन जीती है, अभी इन्होंने हाथ से उनको पत्नी को लेने दिया है क्योंकि वो बिल्कुल हार जाएगी, यूँ करके जीत हुई है दूल्हे राजा की। और ये हमारी रस्म होती है, ये रस्म पूरी हो चुकी है। अभी दूल्हे राजा हाथ साफ कर रहे हैं दोनों जने। इस तरह से हमारे परंपरा है। इस परंपरा में ऐसा कहा जाता है जो भी 5 बार ये खेल खेला जाता है, और 3 बार जीते हैं दूल्हे राजा और 2 बार जीती है दुल्हन, यानी कि दूल्हे राजा जीत चुके हैं। इसलिए बहुत अच्छा खेल था। अगर आपको ऐसा आपके ऐसा करते हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें दोस्तों।